मॉर्निंग दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया पॉइंट किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। पिछले वीडियो में आपने व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ लिया। वो पॉइंट थ्योरेटिकल था। आपके बोर्ड में इस बार एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से भी आपको वही टिस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का जो सूत्र है वो पूछा जा सकता है, और इस बार के लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पहले आप परिपथ चित्र को देखिए। सबसे पहले आप उसी प्रकार से K1 कुंजी और K2 कुंजी को ऑन करोगे, तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। आई धारा जैसे ही ए बिंदु पर पहुंचेगी ये दो भागों में विभाजित होगी, I1 और I2। फिर जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, तो यदि बी बिंदु का विभव डी बिंदु से ज्यादा है तो धारा बी से डी की ओर बहेगी। यदि डी बिंदु का विभव बी बिंदु से ज्यादा है तो धारा डी से बी की ओर बहेगी। तो यहां आप कोई भी एक पॉइंट ये मान सकते हो कि प्रारंभिक अवस्था में बी बिंदु का विभव डी बिंदु से ज्यादा है, तो इस धारा मापी में ये धारा प्रवाहित होगी आईजी, इस बीच वाली भुजा में बहने वाली धारा। तो अब I1 धारा का कुछ भाग यहाँ कम हो गया, तो यहाँ धारा बचेगी अब I-IG, और I2 धारा को ये धारा यहाँ मिल जाएगी तो माना जाएगा I2+IG। और जैसे ये C बिंदु पर पहुंचेगी दोनों धाराओं का मान जुड़कर ये हो जाएगा I। तो इस बार आपको एक बार प्रारंभिक स्टेज के लिए ऐसा दर्शाना पड़ेगा भी धारा मापी में धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो किरचॉफ का आपने दूसरा नियम पढ़ा है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि किसी भी बंद परिपथ का जो विभव पतन है वो सदैव शून्य होता है, और वहां आपने एक चिन्ह परिपाटी ली है कि यदि सेलों से निकलने वाली धारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा में हो तो सेलों का विद्युत वाहक बल धनात्मक, प्रतिरोधों में बहने वाली धारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा के अनुसार हो तो उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धनात्मक, अन्यथा यानी दिशा विपरीत होते ही ऋणात्मक। तो उसी चिन्ह परिपाटी को आप यहाँ काम में लोगे तो दो बंद लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए बी डी ए, एक बंद लूप ये है, दूसरा बी सी डी बी, दूसरा बंद लूप ये है। तो यहाँ आप जो निर्दिष्ट दिशा है ये मान रहे हो क्लॉकवाइज एंगल में, कि आपके अकॉर्डिंग धारा इस तरीके से प्रवाहित होनी चाहिए, और यहां भी आपने यही दिशा मान ली। निर्दिष्ट दिशा आप चेंज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज भी रख सकते हो। तो यहां सबसे पहले हम जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो पहले लूप में लगाते हैं, तो आप लिखोगे ए बी डी ए लूप के लिए, क्योंकि तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो केवल और केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है, इसलिए इसे आप लूप नियम भी बोलते हो। तो अब यहाँ डायग्राम पर आप थोड़ा गौर कीजिए, ए से बी तक की भुजा में बहने वाली जो धारा I1 है वो आपको दिखाई दे रही है कौन सी तरफ जा रही है, और निर्दिष्ट दिशा में भी इसी भुजा में, आपको ऐसा नहीं करना है कि धारा आप इस भुजा की देख रहे हो और निर्दिष्ट दिशा आप किसी दूसरी भुजा की मिलान कर रहे हो, तो इस भुजा में बहने वाली धारा आपके द्वारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा के अनुसार ही है। तो अगर प्रतिरोध में बहने वाली धारा आपके द्वारा मानी गई
निर्दिष्ट दिशा के अनुसार ही बहती है तो आप इस प्रतिरोध को धनात्मक लेते हो, तो प्रतिरोध सॉरी विभांतर को धनात्मक लेते हो, और प्रतिरोध के सिरों का विभांतर बनाने के लिए आप इसी प्रतिरोध को बहने वाली धारा से गुणा करोगे, तो माना जाएगा आई वन पी। ये आ गया पी प्रतिरोध के सिरों पर विभांतर प्लस में। दूसरी भुजा में चलते हैं तो बी से डी भुजा में जो धारा है आई जी वो नीचे की ओर है और आपके द्वारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा में भी ये जो दिशा है ये नीचे की ओर है, तो इस बार जो धारा की दिशा है वो फिर से आपके द्वारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा में है, तो मान फिर से आप प्लस में लिखोगे, तो धारा मापी में बहने वाली धारा आई जी और धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी। यहाँ प्रतिरोध दर्शाया हुआ नहीं है लेकिन धारा मापी का प्रतिरोध जो है वो आपने कैपिटल जी मान लिया। तीसरी भुजा में चलते हैं बी से ए की ओर, तो यहाँ निर्दिष्ट दिशा कहती है धारा ऊपर की ओर बहे, लेकिन परिपथ में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आई टू धारा नीचे की ओर है, तो यहाँ आप अच्छी तरह एक बार मिलान कीजिए, आई टू धारा नीचे की ओर है और निर्दिष्ट दिशा कहती है धारा ऊपर की ओर जाए, तो यहाँ विभांतर हमेशा ये ऋणात्मक इस स्थिति में, तो आई टू आर ये माइनस में आ गया। अब इस विभांतर का मान किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार सेलों के विद्युत वाहक बलों के तुल्य होना चाहिए, लेकिन इस लूप में कोई भी सेल लगा हुआ नहीं है इसलिए यहाँ कोई विद्युत वाहक बल नहीं होने के कारण जीरो। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में चलते हैं तो दूसरी जो लूप है बी सी डी बी लूप के लिए, तो इस लूप में एक बार पहले मिलान करते हैं। सबसे पहले आपको बी से सी तक देखना है, परिपथ के अकॉर्डिंग जो धारा है वो जा रही है नीचे की ओर और निर्दिष्ट दिशा भी कहती है धारा जानी चाहिए नीचे की ओर, तो यहाँ पर इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा आपके द्वारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा के अनुसार ही है, तो विभांतर लोगे आप प्लस में। लेकिन जैसे ही आप सी से डी में पहुंचते हो तो परिपथ के अकॉर्डिंग जो धारा है वो ऊपर जा रही है और निर्दिष्ट दिशा के अनुसार धारा जानी चाहिए नीचे की ओर, तो यहाँ पर धाराओं की जो दिशा है वो विपरीत है, विपरीत है तो यहाँ विभांतर का मान आप माइनस में लोगे। अंतिम में देखते हैं डी से बी की ओर, परिपथ के अकॉर्डिंग जो धारा है वो नीचे की ओर चल रही है जी, लेकिन आपके द्वारा मानी गई निर्दिष्ट दिशा के अनुसार धारा ऊपर की ओर जानी चाहिए, तो यहाँ फिर से दिशा चेंज विपरीत हो गई, तो यहाँ धारा मापी के सिरों का विभांतर भी आप किसमें लोगे माइनस में, तो यहाँ आपने चिन्ह परिपाटी मिलाकर देख ली, तो B से C भुजा में विभांतर प्लस में है, तो I1 माइनस IG क्यों धारा को प्रतिरोध से गुणा करके आपने विभांतर बनाया ओम के नियमानुसार। C से D में धारा ऊपर निर्दिष्ट दिशा नीचे, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S, और जो अंतिम भुजा है इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि धारा नीचे की ओर है निर्दिष्ट दिशा के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर होनी चाहिए, तो ये आई जी और कैपिटल जी, और इस लूप में भी कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है तो इक्वल जीरो। तो इस तरीके से आप ये दो समीकरण बनाओगे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाकर। लेकिन आपने पिछले वीडियो में देखा है कि वही टिस्टोन ब्रिज की जो अवस्था है वो संतुलन की अवस्था पर लागू होगी, और संतुलन की अवस्था के लिए इस धारा मापी में बहने वाली धारा का मान शून्य होना चाहिए, तो आप संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए यह लिखोगे कि संतुलन की अवस्था पर, तो संतुलन की अवस्था पर क्या होगा, धारा मापी से बहने वाली जो धारा है उसका मान होगा शून्य। अब दोनों इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, सबसे पहले आप इस प्रथम इक्वेशन में ये कंडीशन लागू करोगे, तो यहाँ आई जी आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है
अगर इसका मान जीरो हो गया तो यहाँ इक्वेशन बनेगी आई वन पी माइनस आई टू आर इक्वल जीरो। माइनस की जो वैल्यू है उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओ तो मान आएगा आई वन पी बराबर आई टू आर। ये यहाँ एक इक्वेशन बन गई तीसरी। फिर जो दूसरी इक्वेशन है दूसरे लूप के लिए, इसमें भी आप यही कंडीशन लगाओ संतुलन की अवस्था के लिए, तो आई जी का मान आपको जीरो रखना है। तो जैसे ही आप आई जी का मान यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आई वन क्यू माइनस आई टू एस इक्वल जीरो, क्योंकि इस स्टेप में भी जी है आई जी धारा, इसमें भी आई जी धारा और यहाँ भी अंतिम में जो भी है वह आई जी धारा है। तो तीनों का मान शून्य होने के बाद ये स्टेप आपकी बचेगी। और जैसे माइनस की वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये सूत्र आपका आई टू एस समीकरण नंबर चार। तो उसी प्रकार से आपको समीकरण तीन में चार का भाग देना है, तो चार का भाग देने तो मान यहां आपको प्राप्त होगा आई वन पी बराबर आई टू आर बटा आई वन क्यू बटा आई टू एस। आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, और जो आपने वही टिस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन की अवस्था एक थ्योरेटिकल पॉइंट से समझ के हमने प्राप्त की थी, वो ही अवस्था आपको यहाँ किरचॉफ का दूसरा नियम लगाकर प्राप्त हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई थ्योरेटिकल मैटर नहीं है, सीधी सीधी ये कंडीशन है, आपको दोनों लूपों के लिए ये लगानी है। और संतुलन की अवस्था में आपको हमेशा धारा मापी में बहने वाली धारा का मान शून्य करना है। प्रैक्टिकली रूप में मैंने आगे ऐसे कुछ वीडियो डाले हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल के दौरान धारा मापी में बहने वाली जो धारा है उसका मान शून्य दिखाई देता है, तो आप वहां से थोड़ा और समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित उतारने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।